सब्सक्राइब कीजिए घरोई चेस्ट फ्लेवर्स को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस के लिए। चावल के खीर एक इंडियन ट्रेडिशनल डिजर्ट है जो नॉर्मली चावल, दूध और चीनी से बनता है। अक्सर आपको मंदिर की खीर या शादी की पार्टी की खीर टेस्टी क्यों लगता है जो आपके घर में बनी हुई खीर में नहीं लगता है, इसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। मैं अनुपमा आपकी स्वागत करती हूँ घरोई में। आज घर में बनाते हैं कुछ मीठी आइटम चावल के खीर। चावल के खीर के लिए हम यहाँ हाफ ग्लास चावल लिए हैं। मैं बासमती चावल ली हूँ जो कि बहुत छोटे छोटे दाना अच्छा रहता है। इसको पहले धो लिए हैं हम अच्छे से। तो अभी कुकर गरम करेंगे और इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। तो हमारा यहाँ घी गरम हो गया है तो कुछ काजू और किशमिश फ्राई करेंगे इसमें। तो अभी काजू किशमिश हम डाल लिए हैं, इसको कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो हमारा काजू किशमिश यहाँ पर फ्राई हो गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें इलायची 2 लिए हैं और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। तो शादियों वाली खीर बनाने के लिए हमारा जो सीक्रेट था, ये पहला सीक्रेट है। हम इसमें अभी 2 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और चीनी को जलने तक वेट करेंगे। तो चीनी यहाँ पर हमारा जल गया है, इसमें अभी चावल डालेंगे। ये हम चीनी इसलिए जला रहे हैं कि चावल के कलर आए उसमें और ये बहुत ही अच्छा दिखे। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम चावल में 1/4 स्पून नमक डाल रहे हैं और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी चावल को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कोई भी मीठी चीज़ हो उसमें नमक की ज़रूरत होती है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी इसमें अभी 2 ग्लास पानी डाल लेंगे। तो कुकर को अभी बंद करके 4 से 5 सीटी लगाएंगे और चावल को अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर हमारा चावल पक गया है तो अभी कुकर की कवर को निकाल देंगे। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है हमारा चावल। ये जितना अच्छे से पकेगा उतना ही टेस्टी रहेगा। तो अभी गैस ऑन करके हम कुकर को बिठाएंगे और उसमें 1 लीटर के आसपास दूध डालेंगे। तो दूध को यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में रखकर अच्छे से मिक्सअप करते रहेंगे। तो आज हमारे खीर में जो सेकंड सीक्रेट है वो है मिल्क मेड। मैं यहाँ पर अमूल मिठाई मेड यूज़ कर रही हूँ। ये मिल्क मेड बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो अभी इसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। आप लो फ्लेम में रखकर जितना पकाएंगे उतना ही खीर बहुत टेस्टी बनेगा। तो अभी खीर हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। तो उसमें अभी हम काजू और किशमिश रखे थे डाल देंगे और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिल्क में डालने से चीनी की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, फिर भी हम चख लेंगे और जितनी चीनी आवश्यक है हम उसमें डाल लेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपको कम मीठा चाहिए तो उसी हिसाब से चीनी की इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर देखिए उसको 5 मिनट हम पका लिए हैं, अभी उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा खीर, बिल्कुल शादियों वाला या फिर प्रसाद जैसे खीर। आप भी घर में बनाइए। आपको अगर हमारा अच्छा लगा रेसिपी तो एक छोटा सा बटन है, प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी खीर को हम प्लेट में परोसेंगे। खीर ठंडा होने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है और उसका टेस्ट आता है। आप ये त्योहारों में बनाकर पूजा कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अभी इसको हम बादाम से सजा लेंगे।